क्या हाल है मेरे क्रिकेट के दीवानों, बढ़िया सब? मुझे पता है कि आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईपीएल के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा विकेट, सबसे ज्यादा कैचेस, सबसे ज्यादा छक्के, सबसे बढ़िया बॉलिंग स्पेल और भी बहुत से रिकॉर्ड, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा 50 बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? देखो, गूगल करके मत बताना, अगर हो सच्चे क्रिकेट के दीवाने तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चलिए इसी के साथ जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं अपने इंट्रो के साथ। दीवानों, आईपीएल के कुछ इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड की बात करते हैं इस वीडियो में जीत के साथ। आईपीएल में कौन सी टीम है जिसने सबसे ज्यादा टाइटल जीते हैं? आईपीएल में सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाली टीम है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल का टाइटल अपने नाम किया है। मुंबई इंडियंस ने पहली बार आईपीएल का टाइटल 2013 में जीता, उसके बाद 2015, 2017, 2019 और उसके बाद 2020। मुंबई इंडियंस ने 5 की 5 बार रोहित शर्मा की कप्तानी में टाइटल अपने नाम किया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले रिकॉर्ड की तरफ। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? दीवानों, आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेले हैं एमएस धोनी ने। इन्होंने आईपीएल में टोटल 220 मैच खेले हैं। धोनी साहब से ज्यादा आईपीएल में किसी और खिलाड़ी ने मैच नहीं खेले, और खेलेंगे भी कैसे, हर बार तो ये अपनी टीम को प्लेऑफ में ले जाते हैं। सब टीमें 14-14 मैच खेलती हैं और इनकी टीम 16-17 मैच खेलती है एक सीजन में, और धोनी सर सारे मैच खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर एमएस धोनी ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रिकॉर्ड की तरफ। दीवानों, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? इसमें तो सिर्फ चीख चीख के एक ही आवाज निकलती है, विराट द रन मशीन कोहली। जी हाँ, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के ही नाम है। इन्होंने आईपीएल में टोटल 6,283 रन बनाए हैं। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ बैट्समैन यार। दीवानों, इन जनाब जैसा मैंने कोई और खिलाड़ी नहीं देखा। जहाँ सबसे ज्यादा रनों की बात होती है वहाँ इन जनाब का नाम तो आ ही जाता है। एक ही आईपीएल के सीजन में 900 से ज्यादा रन और एक ही आईपीएल के सीजन में 4 सेंचुरीज, ये तो सिर्फ यही कर सकते हैं। वैसे दीवानों, अब तक हमने 3 रिकॉर्ड्स के बारे में बात करी और तीनों रिकॉर्ड्स में एक से बढ़ के एक खिलाड़ी, रोहित शर्मा, एमएस धोनी और विराट कोहली। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, देखने सबसे ज्यादा प्यार आप किस खिलाड़ी से करते हैं? क्या वो हिटमैन है, या फिर देवदनादन धोनी, या फिर किंग कोहली? मुझे पता है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तभी तो करने योग्य है। आपका जोन सा भी सबसे फेवरेट खिलाड़ी हो प्लीज बेझिझक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और ये भी बताना कि आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 किस बल्लेबाज ने मारी है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले रिकॉर्ड की तरफ। दीवानों, आईपीएल में सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर किस बल्लेबाज ने बनाया है? जी हाँ, यही है यूनिवर्स बॉस। आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर क्रिस गेल के नाम है। इन्होंने आईपीएल में अपनी एक पारी में 175 रन की नाबाद पारी खेली थी। इन्होंने ये रिकॉर्ड पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बनाया था। इन्होंने उस दिन पुणे वॉरियर्स का दिवाला ही निकाल दिया था। इन्होंने उस दिन छक्कों की तो ऐसी बारिश कर दी थी कि बस मत ही पूछो। जब छक्कों की बात ही हो रही है तो चलो लगे तो ये भी देख लेते हैं कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के किस बल्लेबाज ने लगाए हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के भी इन्हीं जनाब ने लगाए हैं। क्रिस गेल ने अपने आईपीएल करियर में कुल 357 छक्के मारे हैं। बताओ, 357 छक्के, कोई है तो किस बात का, ये तो सिर्फ यूनिवर्स बॉस ही कर सकते हैं। लेकिन अब यूनिवर्स बॉस हमें खेलते हुए आईपीएल में कभी नजर नहीं आएंगे, इनके छक्के मिस तो जरूर करेंगे हम, प्यार जो करते थे इनसे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले रिकॉर्ड की तरफ। दीवानों, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर कौन है? क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दीवानों, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं लसित मलिंगा। मलिंगा ने अपने आईपीएल करियर में कुल 170 विकेट लिए हैं। 170 विकेट, और पिछले 2 साल से तो ये आईपीएल खेल भी नहीं रहे हैं, फिर भी इन्होंने 170 विकेट अपने नाम कर रखी है आईपीएल में। मलिंगा आईपीएल में सिर्फ मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले हैं, और ये उनके वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रह चुके हैं। आईपीएल में इनका ये रिकॉर्ड कौन सा बॉलर तोड़ सकता है, ये तो आगे चल के हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन अब हम पता कर लेते हैं अपना अगला रिकॉर्ड। आईपीएल के इतिहास में वो कौन सा विकेट कीपर है जिनने सबसे ज्यादा कैचेस पकड़े? और कौन सा विकेट कीपर हो सकता है आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट कीपिंग में कैच पकड़े हैं महेंद्र सिंह धोनी ने। माही साहब ने आईपीएल के इतिहास में विकेट कीपिंग में कुल 122 कैच पकड़े हैं, और इनकी विकेट कीपिंग की जितनी बात की जाए वो कम ही होगी। विकेट के पीछे 4G 5G से भी तेज होते हैं इनके हाथ। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी नंबर 1 विकेट कीपर है। अगर है तो प्लीज दिल से एक लाइक तो बनता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले रिकॉर्ड की तरफ। दीवानों, आईपीएल के इतिहास में सबसे बढ़िया बॉलिंग स्पेल किस बॉलर ने डाला है? आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे बढ़िया बॉलिंग स्पेल डाला है वेस्ट इंडीज के अल्जारी जोसेफ ने। इन्होंने अपने पहले ही आईपीएल के मैच में एसआरएच के खिलाफ 12 रन देके 6 विकेट झटके थे।
मानो उस दिन तो अल्जारी जोसफ ने सनराइजर्स हैदराबाद की कमर ही तोड़ दी थी। और इसके साथ साथ ये आईपीएल में सबसे बढ़िया डेब्यू करने वाले बॉलर भी बने। और इस साल अल्जारी जोसफ हमें गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने इन्हें 2,40,00,000 रुपए देके इस साल अपनी टीम में शामिल कराए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले रिकॉर्ड की तरफ। दीवानों, आईपीएल के इतिहास में वो कौन सा फील्डर है जिसने सबसे ज्यादा कैच पकड़े? आईपीएल में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले फील्डर हैं सुरेश रैना। और इनका क्या कहना, इन्होंने अपने आईपीएल में कुल 109 कैचेस पकड़े हैं। इनसे ज्यादा कैच आईपीएल के इतिहास में किसी भी फील्डर ने नहीं पकड़े। सुरेश रैना को हम मिस्टर आईपीएल के नाम से भी जानते हैं। इस साल इन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। किसी भी टीम को तो छोड़ो, चेन्नई ने भी इन्हें नहीं खरीदा, जो कि चेन्नई ने बहुत बड़ी गलती करी है। पैसा था भाई इनके पास, फिर भी नहीं खरीदा। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है इनके ना बिकने पर, क्योंकि सुरेश रैना मेरे सबसे फेवरेट खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया में। फेवरेट खिलाड़ी तो वैसे बहुत होते हैं आपके, लेकिन होता है ना, आप एक खिलाड़ी से सबसे ज्यादा प्यार करते हो क्रिकेट में, तो मेरे लिए वो सुरेश रैना ही है। चेन्नई ने गलती तो करी है सुरेश रैना को ना खरीद कर। वैसे पुजारा जैसे खिलाड़ी को तो खरीद सकते हैं ये, और बेंच पे बिठा भी सकते हैं पूरे सीजन, और मिस्टर आईपीएल को नहीं खरीदा। पता नहीं क्या कर दिया यार चेन्नई ने, मूड खराब कर दिया कसम से। आप ही बताओ, गलत करा नहीं करा चेन्नई वालों ने? चलिए कोई नहीं, इस साल नहीं अगले साल जरूर बिकेंगे। क्या पता आईपीएल शुरू होने से पहले किसी की रिप्लेसमेंट में आ जाए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए अभी हमें। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले रिकॉर्ड की तरफ। दीवानों, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट गेंदें डालने वाला बॉलर कौन है, क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दीवानों, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट बॉल डालने वाले बॉलर हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ने अपने आईपीएल करियर में कुल 1,268 गेंदें डॉट करवाई हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इनसे ज्यादा डॉट बॉल आईपीएल में किसी और गेंदबाज ने नहीं करवाई हैं, और ये आईपीएल के सबसे सफल स्पिनरों में से एक है। हरभजन सिंह आईपीएल में कई टीमों की तरफ से खेले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिकेट इन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला है। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आग लगा देना। देखते हैं आप सबसे ज्यादा प्यार किस खिलाड़ी को करते हो, क्या वो रोज सुपरहिट शर्मा है, या फिर किंग कोहली, या देदनादन धोनी? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, ये बताना मत भूलना कि आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 किस बल्लेबाज के नाम है। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।